हे व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पिक्सार एंड लाइटरूम से हैप्पी होली का फोटो एडिट करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन घंटी को दबा देना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, आप लोगों को जो इस बैकग्राउंड को है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इधर से हम लोग को सेंड पर क्लिक करना है एंड इधर से आप लोगों को पिक्सार्ट पे ओपन करना होगा। तो दोस्तों, ऐसे पिक्सार्ट पे आ जाने के बाद अभी जो है हम लोग को इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है एंड इधर से आप लोगों को फ्रेम रेट जो है पोर्ट्रेट रख देना है एंड इधर से इस साइड में रख देना है ऐसे एंड इधर से हम लोग को सेव बटन पर एक बार टैप कर देना होगा। एंड अभी जो है आप लोगों को थोड़ा सा इस इमेज को जो है दोस्तों ब्लर कर लेना है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड दोस्तों, अभी आप लोगों को इस ब्लर वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड इसको साइज को जो है आप लोगों को 5 रख देना है दोस्तों। तो ऐसे रख देने के बाद इसे आप लोगों को डन वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कर देना होगा एंड अभी आप लोगों को चले जाना है दोस्तों ड्रॉ टूल पर, क्योंकि दोस्तों ड्रॉ टूल में HD में फोटो एडिटिंग होता है। तो ऐसे ड्रॉ टूल पर आ जाने के बाद अभी जो है आप लोगों को मॉडल का फोटो को ऐड कर देना होगा। तो ऐड फोटो क्लिक कर देना है, फोटोज पर चला जाना है दोस्तों। सो गाइस, आप लोगों को ऐसे मॉडल का फोटो को ऐड कर देने के बाद आप लोगों को इसमें अच्छे से सेट कर देना होगा। तो दोस्तों, आप लोग को अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन पर जाना है एंड आप लोगों को उधर से जो है देख लेना है वीडियो को कैसे बैकग्राउंड को अच्छे से रिमूव करते हैं। तो इधर से आप लोगों को ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है एंड इस फोटो को जो है दोस्तों अच्छे से ऐसे नीचे से ले आना है इस तरीके से एंड इधर से ऐसे इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को फोटो को एडजस्ट से इसमें एडजस्ट कर देना होगा बैकग्राउंड के साथ। तो ऐसे ऐड करने के बाद ऐसे डन पर क्लिक करना है एंड अभी दोस्तों आप लोगों को जो है बैकग्राउंड कुछ स्टॉक PNGs इसमें ऐड कर देना है दोस्तों। तो आप लोगों को फिर से और एक एम्प्टी लेयर बनाना है एंड ऐड फोटो पर चला जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वाले जो PNG है एंड सारे PNG आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, उधर जाके अच्छे से डाउनलोड कर लेना। सो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ऐसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है। एंड दोस्तों, इसको नीचे से नीचे साइड से लगा देना है, सिर्फ दोस्तों नीचे साइड से लगा देना होगा। एंड इधर से डन कर देना है दोस्तों। एंड दोस्तों, अभी और एक एम्प्टी लेयर बनाना है एंड इधर से और फोटो का जो PNG है उसमें ऐड कर देना है। तो दोस्तों, इस वाले जो PNG है आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसे छोटा कर लेना है एंड आप लोगों को जो फेस में है फेस में ऐड कर देना होगा। सो आप लोगों को ऐसे पीक को जूम कर लेना है एंड इधर आप लोगों को चले जाना है ट्रांसफॉर्म पर एंड इधर से अच्छे से ऐसे सेट कर देना है। एंड फिर से ऐसे डन कर देना है एंड अभी क्या करना पड़ेगा, इधर से दोस्तों आप लोगों को जो है इस इरेजर वाले आइकॉन पर एक बार टैप कर देना है एंड इधर से आप लोगों को जो हार्डनेस को दोस्तों 0 पर रख देना है एंड इधर से ओपेसिटी को आप लोगों को ऐसे बढ़ा देना होगा एंड थोड़ा सा कम भी सकते हो एंड साइज को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा बढ़ा करके इधर से आप लोग जो एक्स्ट्रा पार्ट दोस्तों उसको आप लोगों को रिमूव कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद और एक PNG है दोस्तों, टेक्स्ट PNG हैप्पी होली का, तो इसको ऐड कर देना है। तो और एक एम्प्टी लेयर बनाना है एंड ऐड फोटो पर चला जाना है। तो गाइस, इस वाले जो हैप्पी होली का PNG से नीचे से साइड में लगा देना है ऐसे इस तरीके से जो है आप लोगों को हैप्पी होली का टेक्स्ट PNG से लगा देना है एंड इधर से ऐसे डन कर देना है। एंड दोस्तों, अभी क्या करना पड़ेगा, इधर से जो है आप लोगों को सेव इमेज पर क्लिक कर देना है एंड इसको जो है हम लोग को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना है। तो लाइटरूम को ओपन कर लेना है।
तो गाइस ऐसे जो है आप लोग लाइटरूम पर पिक को ओपन करने के बाद अभी जो है आप लोग क्या करना पड़ेगा, इधर से दोस्तों आप लोग कलर वाला आइकन पर चला देना है एंड मिक्स टूल पर आ देना है एंड दोस्तों आप लोग ह्यू को ऐसे थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड इस टूल पर आ देना है एंड आप लोगों को जो है सैचुरेशन को दोस्तों ऐसे बढ़ा देना होगा एंड हीस वाले ह्यू को कमा देना है एंड आप लोग कलर को ऐसे छेड़खानी करना नहीं है, आप लोग जो कलर में आती है ऐसे ही रख देना होगा। तो ऐसे हो जाने के बाद अभी आप लोगों को टेम्परेचर को दोस्तों टेम्परेचर को ऐसे डिक्रीज थोड़ा सा कमा देना है एंड दोस्तों टिंट को आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ा देना है, वाइब्रेंस को दोस्तों आप लोगों को बढ़ा देना होगा एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आ देना है एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा दे देना होगा एंड दोस्तों आप लोग को बिग्निट को दोस्तों ऐसे बढ़ा देना है सॉरी कमा देना है एंड इधर से इस वाले इस टेक्सचर को थोड़ा सा ऐसे कर दे देना है एंड इधर आ जाना है एंड इधर से आप लोगों को दोस्तों थोड़ा सा कॉन्ट्रेस्ट को बढ़ा देना है एंड हाईलाइट को दोस्तों थोड़ा सा हाईलाइट को जो है कमा देना होगा एंड दोस्तों शेडोज को दोस्तों ऐसे बढ़ा देना है एंड वाइटनेस को दोस्तों आप लोग कमा देना है एंड ब्लैक को थोड़ा सा कमा देना होगा एंड दोस्तों अभी देखो फोटो जो है कितना अमेजिंग लग रहा है, बिफोर कैसा था देखो दोस्तों एंड आफ्टर देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कलर ग्रेडिंग आए हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इधर जो है आप लोगों को सेव कर लेना है फोटो को, तो इस शेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना एंड आप लोगों को सेव टू डिवाइस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर एंड चैनल को जो है जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो सलामत रहो।